गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग क्यूट पेट्स। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और मेरी जो दीदी है ना वो टफी को घुमाने गई है और मैं तब तक ना चाय बना ली। मैं अभी दीदी को छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि दीदी के मतलब जो दीदी के बैंक में जो है मैंने मतलब दीदी के जो कलीग्स हैं कलीग्स की पार्टी है और आज दीदी की 2 पार्टी है और दीदी सबसे पहले पहली वाली पार्टी अटेंड करने गई है तो वो अटेंड करके वो 9 बजे तक आ जाएगी और उसके बाद दूसरी पार्टी में अभी दीदी को छोड़ के आई हूँ। और गाइस नेहा से पूछी कि मुझे टोटल 1.5 घंटे लगे आने में, बल्कि मैं 5 मिनट का रास्ता था तो हमें मुझे आधे घंटे इसलिए लगे कि रास्ते में इतना मतलब पुलिस वाले ने कोई मतलब चालान किसी का कट रहा था तो उसी मतलब किसी ने शायद कुछ से धक्का दे दिया कि चालान में कुछ भी था, बहुत भीड़ हो गई थी तो रास्ता ही नहीं था जाने का। तो मैं 25 मिनट तक वहीं खड़ी रही, 5 मिनट का रास्ता और 1.5 घंटे लग गए मुझे आने में। और लिटरली घर में आई तो मम्मी तो जानते घबरा गई थी तो मैंने मम्मी को समझाया तो अब हम लोग जा रहे थे। गाइस आपको पता है आज 2 शादियां हैं तो फिर हम लोग तो एक ही अटेंड कर पाएंगे क्योंकि वो हम लोग घर के बगल है और दीदी गई अटेंड करने के लिए क्योंकि है जाना जरूरी है तो फिर दीदी वहां भी जाएगी। और फिर तो गाइस अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले टफी को खाना दे देने और उसके बाद सारा सामान निकाल के उसके बाद हम लोग रेडी होते हैं। ओके मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली और लम्बी पिचकारी जो तुमने मुझे मारी जैसे जैसे हो ईद में होली तो सीधी साधी चोरी शराबी हो गई ओ जैसे शिव शंकर जिंगी वो बंद कर बहुत ही ज्यादा गैस हो गई है तो उसको इसलिए मैंने दही चावल दिया है क्योंकि आज सुबह उसने काफी सारा समझ जाइए तो इसलिए दिक्कतें हो जाती है नॉर्मल तो फिर तभी वो दही चावल खा रहा है दही और चावल खा रहा है टफी चावल खा लो दही चावल खा लो। और गाइस मैं आपको बता दूं कि टफी को दही चावल बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऑल्टरनेट मतलब अगर आप दही चावल कभी कभी दोगे तो ये खाएगा, मतलब रोज़ दोगे तो नहीं खाएगा। वैसे इसको दूध ही पसंद है बट गर्मियों में ये दही चावल खाता है, इसको बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ना टफी, टफी का फेवरेट है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना फेस को वॉश करके आने क्योंकि अब मुझे अपना मेकअप करना है और मुझे कपड़े भी पहनने, राइट। सो मिलते हैं। चलिए नेहा की तरफ चलते हैं और नेहा का भी फाइनल लुक देख लेते हैं कि वो कैसी लग रही है। तो ये रहा मेरा फाइनल और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो बस अब हम लोग पार्टी के लिए निकल रहे हैं, दीदी हम लोग को वहीं पे ज्वाइन करेगी तो मिलते हैं पार्टी में। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे भरते से बोल दो आएगी देर से फिक्रे सब छोड़ दो अधक से अपने हिसाब में हम तो करने चले गलती वो जोड़ लो वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई मन चली गाइज हम लोग पार्टी से आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने अपना मेकअप निकाला पर देखिए कुछ कुछ मेरे काजल हैं उसका मेकअप थोड़ा नहीं निकल पाया तो मैं बहुत थक गई हूँ तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी। और देखिए 11:50 हो रहा है और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।